हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने यातायात माह का फीता काट कर शुभारम्भ किया तथा वाहन चालकों से सड़क दुर्घटनाओं और कुचली लाने के लिए यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। रिजर्व पुलिस लाइन और आयोजित कार्यक्रम और एसएसपी ने फीता काट कर व दीप प्रज्वलित करके यातायात माह का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यातायात माह का उद्देश्य लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि यातायात पुलिस प्रबंधन का मुख्य अंग है। इससे जुड़ी हुई सब जानकारी आम लोगों तक पहुँचाने के साथ ही यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना भी यातायात माह का लक्ष्य है। उन्होंने छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि जिस तरह वह हमें माम पिता से जिद कर वस्तु हासिल करते हैं, उसी तरह वह हमें अभिभावकों से यातायात के नियमों का पालन करने, हेलमेट लगाने तथा दुपहिया वाहन पर 3 सवारी न बैठाने, सीट बेल्ट बांधने की भी जिद करें तथा हमें अभिभावकों से यातायात के नियमों का पालन कराने का काम करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं और होने वाली मौतों और कुछ ही लाई जा सके। यातायात का नियमों का पालन करें और सुरक्षित घर पहुँचे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर मिश्र, पुलिस अधीक्षक यातायात विनीत भटनागर, सहायक पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार दास, पुलिस उपाधीक्षक यातायात ब्रह्मपाल सिंह, सीओ द्वितीय मुकेश चंद्र मिश्र, सीओ सदर कौशलेंद्र सिंह, सीओ बेहट इंदु सिद्धार्थ, एफएसओ तेजवीर सिंह, यातायात प्रभारी तेज प्रताप सिंह, प्रोग्रेसिव स्कूल सोसाइटी के संयोजक सुरेंद्र चौहान, महासचिव सुधीर जैसाशी, विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राएं व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। एसएसपी ने पुलिस लाइन से शहर के विभिन्न स्कूलों रेनबो स्कूल, डीपीएस, सरस्वती विहार व पाइनवुड के छात्र छात्राओं जरिए सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से आम जनता को जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट, दीवानी कचहरी तथा घंटाघर चौक होते हुए गांधी पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।